डी पुलिस की लापरवाही से दबंग मचा रहे उत्पात दबंगों ने सात पर किया हमला, एसपी से हुई शिकायत। बता दें कि खबर इस समय यूपी के रायबरेली जनपद से आ रही है, जहां डी थाना क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अपराधियों में पुलिस नाम का जरा भी खौफ नहीं है। हड़कंप उस समय मच जाता है जब गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने गए एक परिवार दबंगों की पिटाई से घायल पीड़ितों ने बताया कि सामूहिक रूप से दबंगों ने रंजिशन हमला कर दिया, जिसमें कई लोग सामूहिक रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिस पर मामले की सूचना डी पुलिस को देना चाहा, किंतु थाने में के पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा गाली देना शुरू कर दिया और भगा दिया। इसे स्पष्ट है कि योगी सरकार द्वारा पुलिस को जनता से मित्रवत व्यवहार करने के आदेश को किस तरह डी पुलिस पुलिता लगाती है। दरअसल एसपी कार्यालय आए पीड़ित दयाराम फूलमती राम ललाद ने बताया कि विपक्षी गढ़ पंचर राम प्यारे अमर आदमी रंजिशन हम परिवार वालों पर सामूहिक रूप से जानलेवा हमला बोल दिया। इसमें विपक्षी गढ़ लगातार यही कहता रहा कि चाहे जहां पर शिकायत कर लो, डी थाने की पुलिस मुझ पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी। इस पर पीड़ितों ने कहा कि भाग कर अपनी जान बचाए लाठी डंडों के हमले से घायल पीड़ित ने अभी बताया कि दबंगों ने सामूहिक रूप से जानलेवा हमला किया, इसमें भाग कर किसी तरह जान बचाई गई। देखना होगा कि क्या लगातार अपराधियों के मसीहा कहे जाने वाले थाना अध्यक्ष राकेश लगा पाएंगे ऐसे दबंगों की दबंगई पर अंकुश, या फिर टी थाना क्षेत्र में दबंग यूं ही उत्पात मचाते रहेंगे। पूरा मामला थाना पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता रायबरेली। नाम है तुम्हारा? हमारा नाम फूलमती है। कहाँ आई हो, क्या हुआ आपके साथ? हम यहाँ कप्तान साहब के पास। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ रात में हम दोनों पुरानी सो रहे थे लड़कन के पास, और ईटा गुम्मा से हमारे घर में हमला बोल के बाहरी आदमी बुलाए रहे 10-12 आदमी, और पांच तीन घर के आदमी नान सतून मेहरिया मंदसौर तक का लेके 15-20 आदमी थे, और मेहरिया और कुल्हाड़ी हसिया गड़ा लाठी डंडा खंता लेके सब लोग हमारे घर में अंदर घुस के मारे। तो आप लोग कहीं गए थे, थाने वगैरह गए? थाने गए थे साहब, वहाँ जाते तो कहा थे कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, गाली वाली देते हैं। गाली कौन देता है? बड़े साहब दरोगा, कहीं जाओगे तुम्हारे भी कहीं जाने का ना, कहीं कहीं जाए ना, नहीं तो नहीं। किस गांव में रहती हैं? थाना डी है। नाम है तुम्हारा, कहां आए हो? रामलाल साहब, हम यहां पे आए हैं कप्तान साहब। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ घटना यही हुई है कि हम अपने पत्नी के साथ बच्चे के साथ सो रहे, रात में हमारे ऊपर हमला बोला गया, पहले प्लान बना के ये लोग प्लान बना के मारने की पूरा सब औजारों से हथियारों से हमको घेर के मारे थे, मगर कैसे हमारी जान बची, हम कैसे बचाए, वो हमारा आत्मा जानता है। थाने गए थे? थाने भी गए थे, वहाँ एप्लीकेशन भी दिए थे, 4 बार मुझे वापस किया गया था, वो भी गाली गलौज दे के बोल रहे थे तुम लोग पासी चमार ऐसे ही हो। कौन बोल रहा था जी? ये साहब बोल रहे थे, बड़े साहब बोल रहे हैं। गांव के आए हो? गजराज का पुरवा थाना डी।